नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड का एक और आरोपी अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पुलिस ने किया काबू। दुबई जाने की कर रहा था तैयारी। संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसान संगठनों का आंदोलन, पांचवें दिन में हुआ शामिल। पहुंच रहे फाइव स्टार होटलों जैसी सुविधाओं वाली ट्रैक्टर ट्रालियों में। जालंधर के बल्ट्रन पार्क में लगने वाली पटाखा फैक्ट्री के निकले ड्रॉ, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने की निगरानी। और अब हलचल विस्तार से। प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के एक और आरोपी को पुलिस ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे राजा सांसी से गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त आरोपी दुबई जाने की तैयारी में था, जिसे पुलिस ने मौके पर से काबू कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जगतार सिंह के तौर पर हुई है। जगतार सिंह सुबह 8 बजे दुबई को रवाना होने वाली स्पाइस जेट के विमान का इंतजार कर रहा था। इस बात का पता चलते ही इमिग्रेशन विभाग ने उसे काबू कर लिया, जिसके बाद उसे थाना पुलिस हवाई अड्डे के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दिल्ली आंदोलन के बाद पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन का संगरूर में सबसे बड़ा आंदोलन पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है। हर दिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह आंदोलन 3 किलोमीटर के एरिया में फैल चुका है। तो वहीं बारिश के कारण किसानों के लगाए टेंट और रहने की जगह पर पानी भरने के चलते सब कुछ खराब हो गया था। लेकिन अब किसानों ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की तर्ज पर अपने पक्के घर, फाइव स्टार होटलों जैसी ट्रैक्टर ट्रॉलियां धरने स्थल पर लाकर खड़ी कर दी हैं, जिनमें दिन और रात बिताने के लिए सारा सामान उपलब्ध है, जो कि किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। इनमें बिजली का प्रबंध भी है, पंखे लगे हुए हैं और अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो एसी भी लगा हुआ है। तो वहीं ट्रॉली में खिड़कियां लगी हुई हैं, नीचे गद्दे बिछे हुए हैं और ये ट्रॉलियां डबल स्टोरी हैं, जिसमें 10 किसान नीचे और 15 किसान ऊपर बड़े आराम से सो सकते हैं। इस मौके पर किसानों का कहना है कि बारिश के चलते उनका सारा सामान खराब हो गया था, लेकिन अब वे जो ट्रॉलियां लेकर आए हैं उसमें धरना चाहे 10 दिन चले या फिर 1 वर्ष, वे पूरे तैयार हैं। इसके अलावा राशन का भी सामान यहाँ उपलब्ध है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। गल है यही गल असी जी कहने भी पिछलिया सरकार की फर्क पै गया, जेड़ा कहने भी इतने तो आम लोगों की सुनी जाऊ। आम लोग तो कोठे चढ़ के कूक रहे हैं कि सानू मुआवजा क्यों नहीं मिले अजे तक, जो पिछले साल मुख्यमंत्री चन्नी वेले का गुलाबी सुंडी नाल नुकसान होया सी, उदों मनप्रीत बादल की कोठी अगे धरना लग्या सी 15 दिन, उदों मुक्तसर दे विच असी 15 दिन धरना लाया तो अजे तक लागू नहीं होया गया। तो फिर असी किवें मान लीए, इस करके नुमाइंदा वह असी किवें समझ लें भी साढ़े को जे आम लोगों का कोई होवे तो साढ़े को आवे। आटा वगैरह समान खंड खुंड सारा कुछ भेज गया जी, तो जेडे अपने मैट वगैरह सके साडा जी टेंट सीगा पहला दूजा टेंट सीगा पैपा वाला वो सारा भेज गया, इस करके सानू अपना इंतजाम करना पे जी। ये सानू ही फिर हम आए का कोई पता नहीं लगना भी किन्नी है, जे सरकार पुछन लग जे भी थोड़े किन्ने बंदे ने, असी जो साढ़े जिले के आगू वाले कोई भी गिनती होगी डाटा बना रहा भी किन्ना कैडर तो हाँ जी हाँ भी किन्नी गिनती हैगी, जो कोई हुण तुसी साढ़े लोग प्रश्न किया गा असी तुहानू दसता भी असी आ चीज़ा करते हैं। जालंधर के बल्ट्रन पार्क में लगने वाली पटाखा मार्केट के लिए रेड क्रॉस भवन में डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता की निगरानी में ड्रॉ प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा कर 20 ड्रॉ निकाले गए, जिसमें नवनीत सिंह राणा, तालस गई, मनीष भंडारी, राघव महाजन, राजकुमार दुआ, हरविंदर सिंह गोरा, विष्णु कपूर, अनूप छाबड़ा, सुधीर, कपिल खुराना, गौरव डोगरा, जयदेव शर्मा, सुखविंदर सिंह, अशोक कुमार, रजत अग्रवाल, अमित कुमार, जोगिंदर पाल आहूजा, अमित जग्गी, रीना अरोड़ा एवं नीतीश कुमार का ड्रॉ निकला। तो वहीं डीसीपी के अनुसार पटाखा मार्केट के दुकानदार अपने पास 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी नहीं रखेंगे और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड का प्रबंध देखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहेगा,
ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत उससे निपटा जा सके। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। तो आज असी त्यौहार के मद्देनजर जो माननीय हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइनज हैं और अकॉर्डिंग असी अज एक लकी ड्रॉ कढ़िया जिसे 126 एप्लीकेशन रिसीव हुई तो जो 20% असी कढ़ना होंगे तो 20 लाइसेंसिस जो टैंपरेरी फायर क्रैकर लाइसेंस है वो असी अज उन्होंने लकी ड्रॉ कढ़िया है। ये जी इस बार असी जो हमेशा की तरह बल्टन पार्क चूज़ किया बिकॉज वो खुली जगह हैगी है सो उत जॉप सैटअप होनगियाँ तो उस संबंधी जोड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या जोड़ा फायर डिपार्टमेंट है या जोड़े मैडिकल फैसिलिटीज़ है वो अकॉर्डिंग टू जी सा गाइडलाइनस आई हुई ने अकॉर्डिंग ही सारी असं डिप्लॉय करा जी। दुकान का साइज़ है जी और ये मैनशन नहीं है जो गाइडलाइनज है बट असी सेफ्टी में मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रॉपर PCR वगैरह डिप्लॉय करा तो जो 3-3 मीटर का गैप हैगा वनू असी फॉलो करा जो साढ़े वालों ऑलरेडी इस प्रक्रिया तो पहला ही जो तुम्हें देखा होगा तो 144 के प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जो कोई भी वायलेशन होगी कोई इलीगल स्टोरिंग होगी या इलीगल कुछ कोई इस तरह की साइड नॉलेज आऊगी तो इमीडिएटली FIR सिंपल ये गल है कि जो बल्टन पार्क है सारे ने देखा ही है वो काफ़ी खुला एरिया है वो आप 20 शॉप सैटअप करने हैं 20 शॉप सैटअप करके तो बिच गैप भी होना चाहिए क्योंकि सेफ्टी है सब तो जो सारा प्रोसैस कर मकसद है वो सेफ्टी में मेनटेन करना तो उस कारण ही असी जरा 3-3 मीटर का गैप भी रखा उपर प्रॉपर जोड़ा लसेंस होल्डर है वह डिस्प्ले भी होगा तो साड़ी PCR गड्डिया भी लगन या नाल जो कंसर्न बाकी सिविल के महकमे है वो भी अपने वाले पूरे अपने लोग हमेशा गालियां देते हैं लेकिन उन्हें विदेशी लोगों से सीखना चाहिए कि अगर वे प्यार से रहें तो सबका दिल जीत सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जालंधर के बाजारों में जहां एक विदेशी ने रिक्शा चालक को पीछे बैठाकर खुद रिक्शा चलाई। रिक्शा चालक का नाम रतनलाल है। उसने बताया कि गत रात्रि वह अपनी रिक्शा लेकर बाजारों में घूम रहा था कि तभी एक विदेशी दंपति ने उसे रोका और रिक्शा में बैठ गए, जिसके बाद जब वह उनको लेकर वहां से चला तो रास्ते में वह अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में कुछ कह रहे थे लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, जिस कारण उसने अपना रिक्शा एक दुकानदार के पास रोका और कहा कि इनकी भाषा उसे समझ नहीं आ रही कि इनको कहाँ जाना है, जिसके बाद विदेशी नीचे उतरा और खुद रिक्शा चालक की सीट पर बैठ गया और उसे पीछे बैठने को कहा लेकिन वह पीछे नहीं बैठा और पैदल चलना शुरू कर दिया। इस दौरान वह कुछ कदम ही चला था कि विदेशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रिक्शा में बैठा दिया और खुद नाज सिनेमा तक रिक्शा चलाकर वहां पहुंचा, जिसके बाद उसने रिक्शा चालक को पैसे भी दिए। रतनलाल ने कहा कि आज के समय में उसके रिक्शा का टायर अगर किसी गाड़ी में लग जाए तो लोग गालियाँ निकालते हैं, लेकिन इस विदेशी ने तो उसे रिक्शा में बैठा कर बाजारों में घुमाया और साथ ही उसे पैसे भी दिए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं जा रहा है, उन्होंने मैं हाथ दिता कि उन्हें जाना ही किसी दुकान पर जाना ही तो वो मैं कह लगे तो मैं उन्होंने भाषा समझ नहीं आई तो अंग्रेजी बोल रहे ही वो दुकान वाले ने मैंने कहा भी इन्हों फलानी जगह लै जा तो मैं चलो बैठ जाओ मैं लै जाना वा। बाद तीन लड़कियां आईया उन्हें मैंने दसाया भी अंकल कोई समझ लगी इन्हों की भाषा समझ लगी, मैं क्या नहीं जी। उन्हें मैंने कहा सिमल हॉस्पिटल ना बाहर पिंड कोटा की दुकाना है उत्थे लै जा, तो मैं क्या भी चलो वो मैं उन्होंने कहा भी तुम बैठ जाओ, कहना नहीं तू बैठ जा मैं रिक्शा चलाना वा, तो मैं समझा भी फोटो खिचानी होएगी शायद मैं रिक्शे से बह गए तो उन्हें नहीं वो चला ला पाया, मैं नाल थोड़ा पैदल गया तो उन्हें फिर ब्रेका ला गए तो वो मैंने उन्हें बहाल लिया पिछे तो वो चला ला पाया। इतने अजकल माड़ा जहा किसी चक्का लग जाए गाली कढ़न लग पेंदे ने इंसान फिर इंसान इंसान खिंच के खड़ता वा, इज्जत मान नहीं देंगे बई उतू गाला कढ़ते हैं तो बहरले लोगों ने आके देखो इज्जत इज्जत मान दिता आप रिक्शा चलाया मैंने नाल बहाल लिया उन्होंने तो पैसे भी दिते तो बहुत इज्जत मान मिलया। 30-35 साल हो गए बहुत वधिया महसूस किया भी इज्जत मान हाँ बहरले समझे देखो इज्जत मान मिलया इतने लोग इज्जत मान करते नहीं अजकल गाली कढ़न लग पैंदे लै समझे कख नहीं है। जालंधर के एक निजी होटल में रश्मि निमंत्रण इवेंट्स की ओर से करवा चौथ के उपलक्ष्य में मिस एंड मिसेस करवा चौथ रॉयल जालंधर सीजन 6 का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मॉडलिंग, रैंप वॉक, डांस, तंबोला सहित कई प्रकार की फन गेम्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर खूब लुत्फ उठाया।
इस मौके पर सीमा जग्गी, किमी जुनेजा, डोली बाटला ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर विजेता रही महिलाओं को इनाम देकर पुरस्कृत भी किया। इस दौरान कोरियोग्राफर गुगन बेदी ने इस इवेंट में अपना विशेष योगदान भी दिया। इस मौके पर अनन्या बजाज, सिया अरोड़ा, सोनम, रूपल बजाज, तान्या सिंह, रश्मि अग्रवाल सहित क्लब की सभी सदस्याएं भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शो रश्मि अग्रवाल प्रेजेंट्स मिस मिसेस करवा चौथ रॉयल जालंधर सीजन 6 इन एसोसिएशन विद जावेरी गुजरावाला ज्वेलर्स, स्पेशल पेट्रोन एडफिनिटी, पावर्ड बाय एमडीएच आर प्योर, को पावर्ड बाय ऋतु वैलेंटाइन्स, एंड वी हैव विद इन अस ब्यूटीफुल गेस्ट ऑफ ऑनर एंड जजेस फॉर टुडे। आवर ब्यूटीफुल चीफ गेस्ट किमी जुनेजा इज ऑल्सो देयर विद अस। इट्स एन शी इज एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हुज पोर्ट्रेट पेंटिंग्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दुबई एंड कैनेडा। एंड अनन्या बजाज मैम, सिया अरोड़ा मैम, सोनम मैम, रिम्पल बजाज मैम, and we have our honorable judge for today, Seema Jaggi Chaudhary ma'am, and ma'am aap bhi show ke liye blessings de dijiye. All beautiful ladies ko happy karwa chauth. Main Dolly Batla, anti corruption foundation of india ki district director and running Batla marriage bureau. Thank you so much Rashmi Agarwal, bahut acha event karwati hai. Thank you so much hame invite karne ke liye, and thank you Dainik Savera jo hamesha hamare sath rehta hai. Thank you so much. Many women coming out of their houses and enjoying on the Karwa Chauth day. Karwa Chauth ek din hota tha ki sirf ghar ke andar celebrate hota tha, shaam ko mandir mein pooja hoti thi, but aaj it has become a major event because of wonderful sisters like Rashmi. Just a family of sath, please. God bless her. And I would say I have Shailja Sharma along with me and Dolly Batla ji, and so many other people stand, you know, sitting in the jury and everyone. My heartfelt thanks to you. But aaj ka din hum love celebrate karte hain, and my message will be the same, that let's celebrate love every day. Jitna effort hum tyar hone mein lagate hain, agar yehi effort hum apne rishton ko sudharne mein laga le, to zindagi bahut khoobsurat ban jayegi. So a happy Karwa Chauth to all of you. Yehi effort karte rahiye, aur I wish that you have beautiful life with your loved ones. जालंधर में करवा चौथ के उपलक्ष्य में एडवोकेट तान्या भट्टी की ओर से द क्लासिक करवा पैच का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जिसमें शैलजा, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर गुगन बेदी और डोली बाटला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विभिन्न प्रकार की फन गेम्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर मिस एंड मिसेस करवा चौथ प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें विजेता रही महिलाओं को विशेष रूप से आए हुए गणमान्य मेहमानों की ओर से इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर तान्या सिंह, पुनीत कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन जतिन राजपूत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एडवोकेट तान्या भट्टी, आज पापा विस्की एंड मैं हम दोनों मिलके एक इवेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, द क्लासिक करवा बैच, जो कि पापा विस्की के वेन्यू में हो रहा है। हमारा इवेंट स्टार्ट हो चुका था एट 11 AM, बहुत अच्छा क्राउड है, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं द शैलजा एंड गगन बेदी, दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटी। हाँ जी, मैं PB08 तो पुनीत हाँ जी। अज आप इतना ईवेंट करा रहे हैं जी द क्लासिक करवा बैश, बहुत ही जबरदस्त ईवेंट हो रहा है जी, जबरदस्त मस्ती हो रही है, डांस हो रहा है जी, सारी लेडीज़ बहुत ही वधिया तैयार होकर आई हैं मैं, तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं जी सानू, थैंक यू सो मच। तुम सारे इस ईवेंट पर आए हैं जी, थैंक यू सो मच। आज मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफ इंडिया से डॉली बाटला एंड रनिंग बाटला मैरिज ब्यूरो, हम आज तान्या भट्टी के फंक्शन पर आए हैं, इन्होंने करवा चौथ का इवेंट कराया है। पहली तो हैप्पी करवा चौथ ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ को, एंड थैंक यू सो मच तान्या भट्टी, एंड थैंक यू सो मच दैनिक सवेरा, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है हम लोगों को आगे रखने में, थैंक यू सो मच। माँ मंगलामुखी धाम नजदीक लम्बा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों समीर कपूर से सपरिवार पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहुतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि मनुष्य के वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल जहाँ जन्म जन्मांतर में प्राप्त होता रहता है, वहाँ उनमें से कुछ कर्मों के फल वर्तमान जन्म में भी प्राप्त हुआ करते हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि इंसान को अपने कर्मों के मुताबिक ही फल मिलता है। इस दौरान हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति पर सारी संगत को करवा चौथ व्रत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई व माँ बंगलामुखी जी की वंदना भी की गई। वहीं इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, विक्रम भसीन, सौरभ अरोड़ा, सोनू छाबड़ा, बाबा खन्ना, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, ओंकार सिंह, करण वर्मा, राजेश महाजन, राजीव, दीशांत शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, साबी लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस पंकज और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी ताम जो कि गुलमोर सिटी च स्थित है, लम्मा पिंड चौक दे कोल मां दे भव्य मंदिर दे विच मां पीतांबरा दा जिहड़ा स्वरूप है ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਔਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਤਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭਗਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਤਾਮ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से दमोरिया पुल नजदीक शिव मंदिर में मां बंगलामुखी जी का साप्ताहिक हवन यज्ञ अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय प्रधान श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने आए हुए मुख्य यजमान भारत भूषण आशु लक्ष्मी शर्मा और शारदा जोशी से विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मौके पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने मातृ शक्ति के करवा चौथ के पावन पवित्र त्योहार की सभी को बधाई दी और आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर उन्होंने आए हुए यजमानों को स्मृति चिन्ह और मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विशाल शर्मा, वैभव शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड का एक और आरोपी अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पुलिस ने किया काबू, दुबई जाने की कर रहा था तैयारी। संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसान संगठनों का आंदोलन, पांचवें दिन में हुआ शामिल, पहुंच रहे फाइव स्टार होटलों जैसी सुविधाओं वाली ट्रैक्टर ट्रालियों में। जालंधर के बल्ट्रन पार्क में लगने वाली पटाखा फैक्ट्री के निकले ड्रॉ, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने की निगरानी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।